असल वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सभा आज की वीडियो का जो कॉन्टेंट है वो रोबर्ट बोल्ड बैग्राफी है रोबर्ट uh, बोल्ड जो हैं उनके बैोग्राफिकल स्केच के बारे में आज स्टडी करेंगे इंग्लिश प्ले राइट ऑस्कर विनर और स्क्रीन राइटर जिनको माना जाता था जो प्रोड्यूसर भी थे चाइल्ड हुड फिर करियर उसके बाद जितने भी उनके वर्कस थे पर्सनल लाइफ और डेथ हर एक चीज़ को थॉरली स्टडी करेंगे अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं रॉबर्ट बोल्ड बायोग्राफी रॉबर्ट बोल्ड जो थे वो स्क्रीन राइटर इंग्लिश प्ले राइट और टू टाइम्स ऑस्कर विनर रह चुके थे स्क्रीन राइटिंग में और उनके स्क्रीन प्लेस कौन से थे लॉरेंस ऑफ अरेबिया डॉक्टर जिवागो अ मैन फॉर ऑल सीजनस अब आते हैं उनके अर्ली चाइल्डहुड की तरफ पंद्रह अगस्त 1924 को सेल कैशायर यूके में वो पैदा हुए डेथ उनकी 20 फरवरी उन्नीस में पेटर्सफील्ड हेम्पशायर इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में हुई बर्थ नेम उनका है रॉबर्ट ऑक्सटन बोल्ट उनके पेरेंट्स मैथोडिस्ट थे यानी कैथोलिक और मैथोडिज़म में ये फ़र्क है कि कैथोलिक जो हैं वो आम, क्रिस्ट की प्रेजेंस को बिलीव करते हैं यानी वो कहते हैं कि क्रिस्ट जैसेस क्रिस्ट जो है वो मौजूद हैं जबकि मैथोडिस्ट जो होते हैं वो उनकी स्परिचुअल प्रजेंस को बिलीव करते हैं यानी वो कहते हैं कि इनकी रूह मौजूद है तो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो रॉबर्ट बोल्ड के वाल एक शॉपकीपर थे फर्नीचर की दुकान थी उनकी उनके एक बड़े भाई थे और बचपना उनका बिल्कुल भी खुशगवार नहीं था आल दो कि उनके पेरेंट्स जो थे वो बहुत लविंग थे और इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे अपने बच्चों के साथ रॉबर्ट बोल के मुताबिक ये था कि वो ख़ुद बहुत बागी बेकार और मुजरिम थे यानी अपने टीचर और पेरेंट्स से भाग जाते थे उनसे ग़ायब हो जाते थे उनके पेरेंट्स ने उनको मैनचेस्टर ग्रामर स्कूल में भिजवाया जो उस वक्त कंट्री में सबसे बेस्ट स्कूल माना जाता था लेकिन वो फिर भी फेल होते रहे स्कूल में नाकामी के बायस उन्होंने दो दफ़ा स्कूल से सर्टिफिकेट ले लिया पर उनका एक कमाल ये था कि वो इंग्लिश में अच्छे थे क्रिटिकल और जो अप्रिसिएटिव साइड होती थी उस हवाले से वो अच्छे थे इंग्लिश राइटिंग भी उनकी अच्छी थी सोलह साल की उम्र में स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने इंश्योरेंस ऑफिस में काम किया जो कि वो पसंद नहीं करते थे बाद में उन्होंने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहीं पर हिस्ट्री के सब्जेक्ट उन्होंने अपनी डिग्री को कम्प्लीट किया बट बोल्ट के अर्ली करियर के बारे में अगर देखा जाए तो मैनचेस्टर में जो उनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का जो टर्न था वो एक रनिंग पॉइंट था उनकी ज़िंदगी का फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी जिंदगी में खुशी को महसूस किया वो टेंशन फ्री हो गए वो एक कम्युनिस्ट बन गए पार्टी की पाँच हफ्ते इवनिंग में स्टडी के बाद पार्ट टाइम स्टडी शुरू की थी उन्होंने वहाँ पर जब उन्होंने ए लेवल कर दिया तो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में अटेंड किया अपने सब्जेक्ट को बहुत सालों तक उन्होंने इंग्लिश और हिस्ट्री पढ़ाई वहाँ पे जब रॉबर्ट बोल टीचर बने तो वहाँ पे उनको कहा जाता था कि नेटिविटी प्ले लिखें मतलब ये है कि ऐसे प्ले जिस पे बच्चे जो हैं वो क्रिसमस डे पर परफॉर्म करें और जैसे स्क्रिस्ट के बारे में उनको पता हो उस बारे में लिखें तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उन्होंने डायलॉग लिखना शुरू किए तब रॉबर्ट बोल्ड ने यह रिलइज़ कर दिया कि यही वो चीज़ है जिसको उनकी तलाश थी फिर वो एक्ज़टर यूनिवर्सिटी में स्कूल मास्टर बने पहले वो एक गाँव के स्कूल में थे दीवान में फिर उसके बाद वो सात साल के लिए एज आ हेड रहे इंग्लिश डिपार्टमेंट के मिलफील्ड में तो ये पीरियड जो था उसमें उन्होंने आ, दर्जन के हिसाब से रेडियो प्लेज लिखे जो कि ब्रॉडकास्ट थे और उन्होंने उसके बाद प्रोड्यूसिंग भी की ये सब 1950 में था फिर उसके बाद उन्होंने ये राइटिंग और टीचिंग रेडियो प्लेस की कंटिन्यू रखी अब इनकी लेटर लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं कि बोर्ड ने पहले कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया फिर उसको नाइनटीन में उसको लेफ़्ट कर दिया और लॉर्ड रिजल ने उनको परसुएट किया कि वो कमेटी ज्वाइन करें जो कि हंड्रेड्स पर मुश्तमिल हैं ताकि वो ऑर्गेनाइज करें डेमोस्ट्रेशन हो एटॉमिक बम के ख़िलाफ़ उन्होंने ये आइडिया पसंद नहीं किया और ला को कानून को ब्रेक कर दिया और डिसाइड किया कि बस नहीं करना तो इस बेस पे उनको जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने इसको कानून को तोड़कर रिफ्यूज़ किया ये सब कुछ तो फिर जो है जेल में जब उनको डाल दिया तो उस दौरान में वो स्क्रिप्ट लिख रहे थे फिल्म का लॉरेंस ऑफ अरेबिया और उसके जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने उसको परसिएट किया कि आप एग्री हो जाएं टू बी बाउंड ओवर यानी साइन कर लें कि आप नहीं करेंगे इस तरह अगेन पर उन्होंने साइन नहीं किया फिर उनको छुड़वा दिया गया और कम्युनिस्ट पार्टी उन्होंने छोड़ दी थी वो ये सोचते थे कि ये इम्पॉसिबल है कि एक परफेक्ट सोसाइटी का क़्याम हो यानी सब जो है रिलेटिव हैं और ये मुमकिन ही नहीं है वो एक राइटर भी थे मॉरल इश्यूज पर लिखते थे और उनको ये सेंस था यानी ही हैज़ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच ओनली मेक्स सेंस ऑन द एजम्पन्स दैट दर इज़ सम टू होम आई एम रिस्पॉन्सिबल यानी वो अपने रिलीज़स का बड़ा एहतराम करते थे अब रॉबर्ट बोल्ट के कुछ वर्क प्ले को देखते हैं कि उन्होंने कितने प्लेज लिखे हैं बोल्ट की जो राइटिंग थी उसमें ड्रामेटिक वर्क्स भी मौजूद थे प्रोटेकनिस्ट की जो टेंशन होती है वो उसमें सोसाइटी को प्रिवेल करती थी उन्होंने अ मैन फॉर ऑल सीजन के लिए अवार्ड लिया उनको बहुत प्रेज किया गया इस पर पहला नोटिस जो उनको दिया गया ओरिजिनल प्ले के लिए अ मैन फॉर ऑल सीजन जिसमें यह डिपिक्ट किया, किया गया था सर थॉमस मोर का क्लैश किंग हैं एट के साथ क्योंकि डिवोर्स हुई थी कैथरीन से उस पर उनको एवॉर्ड मिला था स्टेज पर और वो फिल्म की वर्जन में भी सामने आया था इसके बाद जितने भी उनके स्क्रीन प्लेस थे फिल्म और टेलीविजन पर यानी राइटिंग जो थी वो टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई गई इसके बाद जो दूसरा प्ले था लॉरेंस उसमें भी वो कामयाब हुए उससे पहले जितने भी राइटर थे वो फेल हो गए उसको सामने लाने में सेवन पिलर्स ऑफ विजडम को कॉग्नेंट स्क्रीन प्ले पर ट्रांसफॉर्म किया गया सारी बुक को तो उसके ऑथर की आइडेंटिटी उसको प्रेजेंट करना तो ये लॉरेंस जो है वो बोथ इंग्लिश और अरब दोनों सोसाइटी में कामयाब रहा प्ले बाद में डॉक्टर जिवागो बोल्ट ने इन्वेस्ट किया बोरिस पास्टरक्स का जो नावल है उसके अपने करेक्टरिस्टिक जिसमें नरेटिव डायलॉग्स ह्यूमंस के और शॉर्ट्स वगैरह बताए गए द बॉन्टी ये उनका पहला प्रोजेक्ट था जो कि स्ट्रोक के बाद उन्होंने लिखा उसने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया उसकी स्पीच को भी और मोमेंट को भी द मिशन जो था वो बोल्ड का फाइनल फिल्म प्रोजेक्ट था जिसने एक बार फिर उनकी थीमेटिक प्री ऑक्यूपेशन को रिप्रेज़ेंट किया तब एटीन सेंचुरी थी बोल्ड की जो फाइनल प्रोड्यूस स्क्रिप्ट थी वो पोलिटिकल एनिमल बाद में जो टी मूवी पर आई है विदाउट वार्निंग द जेम्स बर्डी स्टोरी 1991 ये जो था वो आ, प्रेस सेक्रेटरी था रोनाल्ड रेगन का और जेम्स जो था उसको गन शूट इंजरी हुई थी यानी होमोसाइड था उसकी जो डेथ इस वजह से हुई थी बाद में पता चला था कि गन शूट की वजह से उसकी इंजरी हुई और उसको डेथ तक ले गई इनिशियली बोल्ट जो थे वो राज़ी नहीं थे कि फिल्म बनाए लेकिन जब उन्होंने ब्रेडी से मीटिंग की तब महसूस किया कि उसकी जो हेड इंजरी है वो बोल्ट से रिलेट करती है यानी बोल्ट को भी स्ट्रोक हुआ था और इनके जो एक्सपीरियंसेस थे वो स्क्रिप्ट में मेंशन हुए जी वर्क प्लेस जो थे उसके बारे में डिस्कस कर लिया है अब स्क्रीन प्लेस देखते हैं कि जो जो स्क्रीन पर हमें नज़र आए टीवी पे फिल्म की फॉर्म में या नावल इस तरह से ड्रामा की फॉर्म में तो वो तो मैंने थोड़ा थोड़ा हर एक को डिस्कस कर दिया है लेकिन मैं ओवरऑल आपको ये बता दूँ कि डॉक्टर जीवागो 1965 में बोल्ट को ऑस्कर मिला था उनकी बेस्ट एडॉप्टिड स्क्रीन प्ले पर अ मैन फॉर ऑल सीजन नाइनटीन सिक्सटी सिक्स बोर्ड ने ऑस्कर अगेन किया था और यह भी ऑन स्क्रीन हुआ था ठीक है द रेड टेंट नाइनटीन सिक्सटी नाइन अनक्रेडिट एडिशनल डायलॉग इसमें रयान्स डॉटर नाइनटीन सेवेंटी लेडी कैरोलिन लैम्प नाइनटीन सेवेंटी टू इसमें वो डायरेक्टर भी थे इसके बाद उन्नीस सौ चौरासी में द बॉन्टी हुआ फिर छियासी में द मिशन जिसमें वो नावल के जरिए से उसको पब्लिश किया गया था ओरिजिनली अ मैन फॉर ऑल सीजन नाइनटीन अ ड्राई वाइट सीजन नाइनटीन और उसको स्क्रीन प्लेज में दिखाया गया द जेम्स ब्रडी स्टोरी 1991, टीवी पर विदाउट वार्निंग किया गया ठीक है तो ये सब उनके स्क्रीन प्लेज थे जो मैंने आपको शॉर्टली बता दिए हैं इसके बाद अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करें तो पर्सनल लाइफ में उनकी चार शादियां हुई थी ब्रिटिश एक्ट्रेस सारा माइल से उनकी दो दफ़ा शादी हुई फर्स्ट वाइफ कह एन जिनके तीन बच्चे थे सैली बैन एंड जौना सैली जो थी हु डाइड इन कार एक्सीडेंट 1982 इनकी डिवोर्स हो गई उन्नीस में फिर उन्होंने माइल से शादी कर दी उन्नीस से छिहत्तर तक सारा माइल्स की शादी का जो ड्यूरेशन था वो रहा फिर उसके बाद उनकी सेपरेशन हो गई चौथा बच्चा उनका थॉमस वो सारा माइल्स से हुआ था नाइनटीन में उन्होंने तीसरी शादी की वो भी एक्ट्रेस थी जो कि एन क्विंस थी और लास्ट में 1988 में उन्होंने फिर शादी की सारा माइल्स के साथ जो कि उनकी डेथ 1995 तक उनके साथ रहीं रॉबर्ट बोल्ड के एजाज़ की अगर बात करें तो रॉबर्ट बोल्ड जो है वो आ, कमांडर उनको अपॉइंट किया गया था ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सी 1972 में उनको ये ऑनर मिला था रॉबर्ट बोल्ड की डेथ कब हुई उनको हार्ट अटैक हुआ था और साथ में स्ट्रोक भी था जो स्ट्रोक की वजह से वो पैरालाइज हो गई थी 1979 से ही और वो 70 साल की उम्र में वफात पा गई उन्नीस में पैटर्सफील्ड हेम्पशायर में इंग्लैंड में ही जो कि एक तवील इलनेस के बाद उनको डेथ मिली तो जो स्ट्रोक हो गया था जिसकी वजह से वो पैरालाइज थे तो जो जितने भी उन्होंने अपने ये वाले एक्सपीरियंस थे स्ट्रोक के बाद के वो भी स्क्रिप्ट में मेंशन किए हैं मैंने आपको जैसे बताया था द ब्रेडी जेम्स की जो स्टोरी है उसमें उन्होंने अपनी इलनेस और साथ में आ, ब्रेडी की जो गन शूट से इंजरी थी हेड की उसको भी मेंशन किया है इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ सी यू सोन अल्लाह हाफिज़